स पीपल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे सब लोग होप्स so, बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दूंगा मैं भी बहुत अच्छा हूँ तो जिसका था तुमको इंतजार वो घड़ी आ गई है और दैट इज द रिविजन लेक्चर फॉर द मे एंड नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एग्जामिनेशन के लिए तो ये सी ए इंटरमीडिएट के लिए आज से हम रिविजन लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं फटाफट फटाफट आपको रिविजन लेक्चर मिल जाएंगे और सी ए इंटर के लिए जितने भी टॉपिक्स है वो के आपको रिविजन लेक्चर मिलने वाले हैं तो चलो सबसे पहले चालू करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से और बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टैक्स रेट फॉर योर एग्जामिनेशन सो so, बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहली चीज ये कि सर इनकम टैक्स है वो कौन सी गवर्नमेंट लेती है तो इनकम टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन में और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सेवन शेड्यूल का आर्टिकल नंबर टू है उसमें एक एंट्री नंबर 82 होती है और एंट्री नंबर 82 बोलती है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी इनकम पे टैक्स ले सकती है अदर देन एग्रीकल्चर इनकम तो क्वेश्चन ये आता है कि एग्रीकल्चर इनकम पे क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स ले सकती है आंसर इज नो बट एग्रीकल्चर इनकम पे इनकम टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है और स्टेट गवर्नमेंट की जो स्टेट लिस्ट होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्टेट लिस्ट होती है उस स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर फोर्टी होता है वो ये पावर देता है कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स ले सकती है उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ इनकम टैक्स लॉ को समझने के लिए आपको किन किन चीजों का नॉलेज होना चाहिए सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट इनकम टैक्स एक्ट इज लाइक कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम और इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसमें हर चीज दे रखी है लाइक किसको टैक्स लगेगा कैसे लगेगा कब टैक्स आपको पे करना है वो सब चीजें उसमें दे रखी है इनकम टैक्स एक्ट में असेसमेंट कैसे होगा वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दे रखी है बट इनकम टैक्स एक्ट को सपोर्ट करने के लिए इनकम टैक्स रूल्स बनाए हुए हैं 1962 रूल्स क्या होती है जब भी एक्ट को सपोर्ट करना रहता है जैसे एक्ट में लिखा हुआ है परक्यूजिट है वो टैक्सेबल होगा तो परक्यूजिट का वैल्यूशन कैसे होगा वो वैल्यूशन कहाँ पे दे रखा है रूल्स में दे रखा है Income tax Act में लिखा हुआ है कि आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा इनकम टैक्स रिटर्न इन दिवस है वो बहुत ही जरूरी चीज है हर साल जितने भी अमेंडमेंट होते हैं वो फाइनेंस एक्ट के थ्रू होते हैं और एक बात बता दू मैं आपको आपके एग्जाम के लिए जो निर्मला सीतारमन जी ने अभी बजट प्रेजेंट किया है ऑन द फर्ट फाइफ टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन तो मे एंड नवंबर 2023 में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो अभी जो निर्मला सीतारामन जी ने बजट प्रेजेंट किया है दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन आपके एग्जाम के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है आपके एग्जाम के लिए फाइनेंस एक्ट 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू एप्लीकेबल फिनेस एक्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू कैसे बना सबसे पहले एक बिल प्रेजेंट किया था निर्मला सीतारमन जी ने पार्लियामेंट में एज ऑन द फर्स्ट फेब टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो फर्स्ट फेब टू थाउजेंड ट्वेंटी टू को निर्मला सीतारमण जी ने एक बजट प्रेजेंट किया था फाइनेंस बिल प्रेजेंट किया था वो बिल पर डिस्कशन हुआ उसके बाद में उसको प्रेसिडेंट के पास में भेजा गया और प्रेजिडेंट ने जिस दिन उस उसमें साइन कर दिया उसको फाइनेंस एक 2022 बोलते हैं और प्रेसिडेंट ने उस उसपे साइन किया था 30 मार्च 2022 को तो 30 मार्च 2022 को ये फिनेंस बिल 2022 से फिनेंस एक्ट 2022 बन गया उसके बाद में जो फिनेंस एक्ट होता है ना फिनेंस एक्ट के बेसिकली यहाँ पे जो फर्स्ट शेड्यूल में चार पार्ट होते हैं सबसे पहले पार्ट में क्या होता है लास्ट ईयर की टैक्स रेट लास्ट ईयर की टैक्स रेट क्या थी वो रहती है उसके बाद उसका जो पार्ट टू रहता है ना वो पार्ट टू में आपके करंट ईयर की टैक्स रेट रहती है आपके लिए जो फाइनेंस आपके लिए जो प्रीवियस ईयर रहेगा उसमें कौन सी रेट से टीडीएस काटना है तो टीडीएस जिस रेट से काटोगे उसी रेट से असेसमेंट ईयर में जाके और टैक्स लगने वाला है तो वो तुम्हारा रहता है पार्ट टू में पार्ट थ्री में यह रहता है कि सैलरी पे टीडीएस कैसे काटना है एंड पार्ट फोर में यह रहता है कि आपको नेट एग्रीकल्चर इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है उसके बाद में ये सर्कुलर नोटिफिकेशन सर्कुलर नोटिफिकेशन क्या बोलते हैं सर्कुलर क्या होता है कि कभी कभी किसी भी चीज को क्लेरिफाई करना रहता है कि भाई किसी भी चीज का मीनिंग क्या है तो क्लेरिफिकेशन के लिए हमारी सीबीडीटी के पास पावर है वो सर्कुलर इशू करती है नोटिफाई क्या होता है कुछ अमेंडमेंट्स का इफेक्ट लाने के लिए जैसे आप बहुत बार अमेंडमेंट करते हैं तो लॉ में ये लिखा होता है कि फ्रॉम द डेट एज मे बी नोटिफाई सो नोटिफाई का मतलब होता है नोटिफिकेशन निकालना नोटिफिकेशन उस दिन निकाला जाता है जिस दिन से वो अमेंडमेंट इफेक्टिव हो जाता है एक चीज ध्यान रखना सर्कुलर इज नॉट बाइंडिंग टू द एस एस सी इट इज बाइंडिंग टू द ओनली डिपार्टमेंट बट नोटिफिकेशन है वो एस एस सी के लिए भी बाइंडिंग है एज वेल एज डिपार्टमेंट के लिए भी बाइंडिंग हो जाएगा

2023 से लेकर 31 मार्च 2024 के बीच में जो आपका असेसमेंट ईयर रहेगा 23-24 असेसमेंट ईयर उसमें आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उसमें आप अपना टैक्स पे करेंगे अब एक चीज समझना असेसमेंट ईयर ऑलवेज 12 मंथ का होता है लेकिन प्रीवियस ईयर है वो 12 मंथ से कम हो सकता है कौन से केसेस में जब आपका न्यूली बिजनेस स्टार्ट हुआ है या नया कोई इनकम का सोर्स आया है

वहां पे आपको प्रीवियस ईयर में ही टैक्स भरना पड़ सकता है मिस प्रीवियस ईयर में इनकम कमा रहे हो वहीं पे आपको टैक्स भरना है वहीं पे असेसिंग ऑफिसर आपका असेसमेंट है वो असेसमेंट कर देगा मिस आपका हिसाब किताब प्रीवियस ईयर में ही हो जाएगा ये कौन कौन से केसेस है सबसे पहले अगर कोई नॉन रेजिडेंट आता है और वो नॉन रेजिडेंट का शिपिंग बिजनेस है जैसे यूएसए का एक बंदा है जिसका नाम है लोबो लोबो यूएसए से शिप लेकर इंडियन पोर्ट पे आता है और वो फिर चला जाता है एक बात बताओ यार वो चला गया वो वापस आगे टैक्स भरेगा नहीं भरेगा अपने को पता नहीं ना तो हम क्या करते हैं प्रीवियस ईयर में उससे टैक्स ले लेते हैं प्रीवियस ईयर में उससे टैक्स ले लेते हैं मीन जैसे वो शिप, ले 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 वो शिप को इंडियन पोर्ट से डिपार्ट करेगा डिपार्चर से पहले पहले उसको इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा और टैक्स भरने के बाद ही उसको एंट्री आउटवर्ड मिलेगा उससे पहले उसको इंडिया के बाहर जाने नहीं दिया जाएगा दूसरा अगर मान लो असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि कोई पर्सन ऐसा है जो इंडिया छोड़ के जा रहा है कोई पर्सन ऐसा है जो इंडिया छोड़ के जा रहा है और उसका वापस आने का कोई इंटेंशन नहीं है मेज परमानेंटली इंडिया छोड़ के जा रहा है जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं बात कर लू विजय माल्या की विजय मालिया मान लो इंडिया छोड़ के जाने वाला है तो प्रीवियस ईयर में असेसिंग ऑफिसर उसको बोल सकता है कि भैया अभी का अभी तू टैक्स भर दे प्रीवियस ईयर में ही तेरा असेसमेंट हो जाएगा प्रीवियस ईयर में ही तू रिटर्न है वो रिटर्न अपना फाइल कर दे तीसरा अगर आपने कोई भी ऐसा एओपी भी हो या आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन बनाया है जो किसी स्पेसिफिक इवेंट के लिए बनाया है स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाया है जैसे फॉर एन एग्जाम्पल दिवाली के सीजन में हमने क्या किया चार दोस्तों ने मिलकर एक एओपी बनाया और हम क्या करते हैं दिवाली के सीजन में दीपक बेचते हैं अब दिवाली के सीजन में जो दीपक बेच रहे थे मिट्टी के जो है वो दिए जो है वो हम सबको बेचते हैं अब एक बात समझना वो जैसे ही दिवाली चली गई हमने वो एओपीबीआई बंद कर दिया तो उस पर्टिकुलर केस में एओ आपको ऐसा बोल सकता है कि इसका जो रिटर्न है वो प्रीवियस ईयर में ही भर दो असेसमेंट ईयर तक वेट करने की जरूरत नहीं है अब एक और चीज समझना अगर एओ को ऐसा लगता है कि कोई भी पर्सन है वो पर्सन

प्रीवियस ईयर में ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा अब एक बात समझना इनकम टैक्स है वो एवरी पर्सन पे लगता है लेकिन पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन आएगा तो मैं बताऊ तो यहाँ पे जो सेवन लोग है वो सेवन लोग पर्सन की डेफिनेशन में आएंगे वन इज द इंडिविजुअल इंडिविजुअल आप समझते हो ठीक है नेचुरल पर्सन इज अ इंडिविजुअल सेकंड इज अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एज पर द हिंदू लॉ जो हिंदू फैमिलीज रहती है वो एच बना सकती है तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज अ सेपरेट पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स कंपनी कंपनी केस में पहले वो लिस्टेड है अनलिस्टेड है फॉरन कंपनी है इंडियन कंपनी है वो सब कंपनी में आ जाएगा फर्म पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड ऑलवेज एल जो होती है वो एल भी आपकी पार्टनरशिप फर्म ही मानी जाती है

एस किसको बोलते हैं तो अस किसको बोलते हैं अगर ये पर्सन इज लाइबल टू पे एनी टैक्स और एनी सम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 तो वो तुम्हारा एससी बन जाएगा

रखिए कि एनी पर्सन लाइबल टू पे एनी टैक्स और एनी अदर सम इन द इनकम टैक्स एक्ट दैट पर्सन इज नोन एज द वो तुम्हारा बन जाएगा एक चीज ध्यान रखना एवरी पर्सन इज अस बट एवरी एस इज नॉट अ पर्सन अर्सन हर पर्सन एवरी इज इज अ अ पर्सन पर्सन व्हाट आई एम सेइंग दैट एवरी बट एवरी पर्सन इज नॉट यू आर अ पर्सन बट यू आर नॉट आई एम अ पर्सन एज वेल एज द दी बिकॉज आई एम लाइबल टू पे एनी टैक्स इन इनकम टैक्स उसके बाद में हम बात करते हैं टैक्स रेट की क्या आपके एग्जाम के लिए टैक्स रेट क्या है तो फॉर योर एग्जामिनेशन योर असेसमेंट या ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर इज एप्लीकेबल सो आपके लिए टैक्स रेट क्या है स्लैब रेट समझने की कोशिश करना

जन गाइस यार सीनियर सिटीजन मींस अगर कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसका एज 60 इयर्स और मोर है अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसका एज 60 इयर्स और मोर हो गया है तो उसको अपन बोलेंगे सीनियर सिटीजन तो मैंने क्या बोला रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज 60 इयर्स और मोर हो गया है प्रीवियस ईयर में उसको हम सीनियर सिटीजन बोलेंगे

सीनियर सिटीजन मीस रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज सिक्स और मोर हो गया इन द प्रीवियस ईयर उसको बोलेंगे हम सीनियर सिटीजन उसके केस में अप टू थ्री लैख तक कोई भी टैक्स नहीं लगता थ्री लैख टू फाइव लैख फाइव परसेंट फाइव लैख टू टेन लाख ट्वेंटी परसेंट मोर देन टेन लैख थर्टी परसेंट अब एक और चीज समझना अगर कोई पर्सन सुपर सीनियर सिटीजन हो जाता है सुपर सीनियर सिटीजन का मतलब यहां पे रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए और रेजिडेंट इंडिविजुअल और उसका एज एटीय और मोर इन द प्रीवियस ईयर होना चाहिए दैट इज कॉल्ड सुपर सीनियर सिटीजन इनके लिए बेसिक एक्जेमशन फाइव लाख का रहेगा मीस टू फाइव लैक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा फाइव लैख 10 लक्की डायरेक्टली 20% एंड मोर देन 10 लक्की डायरेक्टली 30% की रेट से टैक्स लगेगा मिस यहां पे 5% वाला स्लैब रेट नहीं है अब एक और चीज समझना यहां पे सीनियर सिटीजन होने के लिए क्या बोला हुआ है कि रेजिडेंट इंडिविजुअल एज इयर्स और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 80 इयर्स और मोर इन प्रीवियस ईयर यहां प्रीवियस ईयर का मतलब होगा आपके लिए प्रीवियस ईयर 22 23 लेकिन एक चीज समझना अगर कोई भी पर्सन अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है मींस सिक्सटियथ बर्थडे या एटियथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है फर्स्ट अप्रैल 2023 को तो भी यह माना जाएगा कि ही हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 60 इयर्स और 80 इयर्स एज ऑन थर्टी मार्च 2023

सरचार्ज कैसे लगता है कि अगर इनका टोटल इनकम अप टू फिफ्टी लाख रुपए नो no सरचार्ज सरचार्ज मीन टैक्स ऑन टैक्स टैक्स आएगा उस पर वापस टैक्स लगेगा, लगेगा लेकिन अगर आपका टोटल इनकम फिफ्टीन परसेंट की रेट से सरचार्ज लगेगा एंड इफ इट इज मोर देन टू करोड़ आपको ट्वेंटी फाइव परसेंट की रेट से सरचार्ज लगेगा एंड इट इज मोर देन फाइव करोड़ तो उस पर्टिकुलर केस में आपको थर्टी सेवन परसेंट की रेट से सरचार्ज लगेगा

थर्टी सेवन परसेंट सरचार्ज नाउ गाइज ट्राइ टू अंडरस्टैंड इंटरेस्टिंग पार्ट हिस्टर सर यहाँ पे सरचार्ज है ना वो ट्वेंटी फाइव परसेंट है इफ योटल इनकम इज मोर देन टू करोड़ एंड टोटल इनकम इज मोर देन फाइव करोड़ देन थर्टी सेवन परसेंट सरचार्ज है बट गाइज फोर टाइप ऑफ इनकम ऐसी इनकम है जिसपे हायर सरचार्ज आपको नहीं लगेगा

कि जो तुम्हारा नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन होता है ना नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन वन वन टू का मतलब जैसे आपने कोई प्लॉट बेचा और उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ या आपने कोई ज्वेलरी बेचा उस उसपे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ आपने कोई मान लो हाउस प्रॉपर्टी बेचा उस उसपे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ दैट इज टैक्सीबल एट द रेट ट्वेंटी परसेंट गाइज ये जो चार तरह की इनकम ऐसी है ना ये चार तरह की इनकम पे आपको मैक्सिमम सरचार्ज 15 परसेंट लग सकता है इसपे कभी भी 25 परसेंट या 37 परसेंट सरचार्ज नहीं लगेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ योर अमाउंट ऑफ दिस इनकम तो देखिए मैंने क्या बोला नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपकी टोटल इनकम टू करोड़ से ज्यादा है तो उस पर्टिकुलर केस में अप टू फाइव करोड़ है तो आप ट्वेंटी फाइव परसेंट सरचार्ज लगेगा मोर देन फाइव करोड़ है तो थर्टी सेवन परसेंट सरचार्ज लगेगा बट गाइज देर आर फोर टाइप ऑफ इनकम एलटीसीजी टू ए वन इज द एस टी सी ट्रिपल वन ए वन इज द डिविडेंड का इनकम एंड वन इज द अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये चार तरह की इनकम ऐसी है जिसमें हाइएस्ट सरचार्ज आपको फिफ्टीन परसेंट लग सकता है यहां पर बेटा ट्वेंटी फाइव परसेंट या थर्टी सेवन परसेंट सरचार्ज नहीं लगेगा यहां पे आपको 25% और 37% सरचार्ज परसेंट लगेगा इस्पेक्टिव ऑफ द टोटल इनकम ऑफ़ दिस इनकम ये इनकम कितना भी हो इस पर मैक्म लग सकता है 25, 37 नहीं लगेगा जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं यहां पे यहां पे देखिए मैंने बहुत सारे एग्जांपल दे रखे ठीक है उसमें एक एग्जाम्पल आपके साथ में डिस्कस करता हूं तो सबसे पहले जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, that is the 4. 4 में क्या हुआ आपकी जो टोटल इनकम है ट स्पेशल इनकम दैट फोर टाइप ऑफ इनकम जितने भी अमाउंट है तो टोटल कितना तो तो सरचार्ज लगना चाहिए बट नहीं गए यहाँ पे जो ये आपकी स्पेशल इनकम है ना इस पर जो भी टैक्स आएगा उस पर मैक्सिमम सरचार्ज कितना लगेगा? अब क्वेश्चन ये आता है कि अदर इनकम हमारी 45 है तो अदर इनकम पे टैक्स आएगा उस पर भी सरचार्ज लगेगा आंसर इज यस कितना लगेगा 15 लगेगा 15 लगेगा 15 15 ही बिकॉज एक बात बताइए सरचार्ज डिपेंड ऑन योर टोटल इनकम टोटल इनकम यार वन करोड़ से तो ज्यादा है ना तो टोटल इनकम जब वन करोड़ से ज्यादा है तो फिफ्टीन तो लगेगा ही लगेगा तो स्पेशल रेट की जो ये स्पेसिफाइड इनकम है उस उसपे जो टैक्स आएगा उस पर भी फिफ्टीन और जो बैलेंस इनकम बचा उस पर उस पर भी फिफ्टीन अब एक और चीज समझना एक और एक्साम्पल लेते हैं यहां पे ट्राई टू तो अंडरस्टैंड यहां पे हम जो एक एग्जाम्पल लेते हैं दैट इज द एग्जाम्पल नंबर आपका थर्टीन पे आ जाइए सीधा

वो टू करोड़ से ज्यादा है टोटल इनकम टू करोड़ से ज्यादा है तो भी आपका जो ये डिविडेंड कैपिटल गेन वाला जो इनकम है उस पर मैक्सिम सरचार्ज कितना आएगा 15%. अब आपको देखना है कि अदर इनकम कितना है क्या अदर इनकम अपने आप में टू करोड़ से ज्यादा है अगर अदर इनकम है वो अपने आप में टू करोड़ से ज्यादा है रिमेनिंग इनकम इज अपने आप में रिमेनिंग इनकम इट देन टू करोड़ तो रिमेनिंग इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पर सरचार्ज रहेगा फिफ्टीन दूसरा बट अगर रिमेनिंग इनकम अपने आप में टू करोड़ से ज्यादा नहीं है तो उस पर्टिकुलर केस में रिमेनिंग इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पर फिफ्टीन परसेंट की रेट से सरचार्ज लगेगा क्योंकि ओवरऑल आपका टोटल इनकम तो वन करोड़ से ज्यादा है ना अब एक और चीज समझना अगर मान लो आपका टोटल इनकम है वो फाइव करोड से ज्यादा है फाइव करोड़ से ज्यादा है तो उस पर्टिकुलर केस में ये जो स्पेसिफाइड इनकम है ना इस पे तो मैक्सिमम टैक्स पे सरचार्ज कितना आएगा 15%. अब आपको ये देखना है कि जो रिमेनिंग इनकम है क्या वो इट है अगर रिमेनिंग इनकम इट सेल्फ इज मोर देन फाइव करोड़ है तो उस पर्टिकुलर केस में उस पर जो भी टैक्स आएगा उस पर सरचार्ज आपका थर्टी आ जाएगा उसके बाद में अपन आगे चलते हैं कंपनी के लिए टैक्स रेट तो कंपनी में दो तरह की कंपनी इज द डोमेस्टिक कंपनी इज इस फॉरेन कंपनी तो डोमेस्टिक कंपनी के लिए टैक्स रेट है वो आपका थर्टी परसेंट है लेकिन एक चीज समझना एक डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर प्रीवियस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन का टर्न ओवर फॉर द प्रीवियस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन का टर्न ओवर इज अपू फोर हंड्रेड करोड़ मीनस इट इज नॉट मोर देन फोर हंड्रेड करोड़ उस पर्टिकुलर केस में उस कंपनी को ट्वेंटी फाइव परसेंट की रेट से टैक्स भरना पड़ेगा तो देखिए डोमेस्टिक कंपनी के लिए टैक्स रेट इज डोमेस्टिक कंपनी के लिए टैक्स रेट इज थर्टी परसेंट बट प्रीवियस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन का टर्न ओवर ऑफ दैट डोमेस्टिक कंपनी इज नॉट मोर देन फोर हंड्रेड करोड़ तो उस डोमेस्टिक कंपनी को ट्वेंटी फाइव परसेंट के रेट से और अदरवाइज डोमेस्टिक कंपनी को थर्टी परसेंट के रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा फॉरन कंपनी के लिए टैक्स रेट रहेगी वो आपकी फोर्टी परसेंट की रेट से रहेगी सरचार्ज लगेगा आंसर इज यस कंपनी के केस में सरचार्ज कैसे लगेगा तो कंपनी के केस में आपको यह देखना पड़ेगा कि डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी सबसे पहले डोमेस्टिक कंपनी डोमेस्टिक कंपनी का टोटल इनकम इज मोर देन वन करोड़ अप टू टेन करोड़ है तो सेवन परसेंट की रेट से सरचार्ज एंड इफ इट इज मोर देन टेन करोड़ तो आपका ट्वेल्व परसेंट की रेट से सरचार्ज मैंने क्या बोला डोमेस्टिक कंपनी का टोटल इनकम इज मोर देन वन करोड़ अप टू अपन करोड़ तो सेवन परसेंट से सरचार्ज मोर देन टेन करोड़ तो आपका ट्वेल्व परसेंट की रेट से सरचार्ज एंड फॉरन कंपनी के केस में वहीं टू परसेंट एंड फाइव परसेंट फॉरन कंपनी के लिए सरचार्ज की रेट कम है क्योंकि ऑलरेडी टैक्स की रेट है वो आपका फोर्टी परसेंट है उसके बाद पार्टनरशिप हम एल एल पी एंड लोकल अथॉरिटी के लिए आपकी टैक्स रेट है वो फ्लैट थर्टी परसेंट रहेगी

टोटल इनकम अप टू टेन थाउजेंड है तो टेन परसेंट टेन थाउजेंड टू ट्वेंटी थाउजेंट है ट्वेंटी परसेंट मोर देन ट्वेंटी थाउजेंड है थर्टी परसेंट लेकिन क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में सरचार्ज लगेगा आंसर इज यस बट कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में सरचार्ज वैसे ही लगेगा जैसे डोमेस्टिक कंपनी के केस में लगता है तो यहां पर आपकी बुक में करेक्शन है आप प्लीज कर लीजिएगा इसमें कैसे है कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में टिव सोसाइटी केस में अगर नेट टैक्सेबल इनकम इज मोर देन वन करोड़ अप टू अपन करोड़ तो सेवन परसेंट लगेगा एंड इफ इट इज मोर देन टेन करोड़ तो उस पर्टिकुलर केस में ट्वेल्व परसेंट की रेट से सरचार्ज लगेगा एंड ऑब्वियसली हेल्थ एंड एजुकेशन फोर परसेंट लगेगा उसके बाद में एक कॉन्सेप्ट आता है एंड दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज द मार्जिनल रिलीफ ये मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट कब लगता है जब आपकी इनकम है ना लिटिल बिट मोर देन दैट सरचार्ज वाली लिमिट से ज्यादा है जैसे फॉर एन एक्साम्पल इन केस ऑफ द इंडिविजुअल जुरिडिकल पर्सन के लिटिल बिट मोर देन फिफ्टी लैक है और लिटिल बिट मोर देन वन करोड़ है लिटिल बिट मोर देन टू करोड़ है लिटिल बिट मोर देन फाइव करोड़ है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको चेक करना पड़ेगा क्योंकि बहुत बार क्या होता है सरचार्ज की वजह से आपका टैक्स से ज्यादा सॉरी इनकम से ज्यादा टैक्स बढ़ जाता है ड्यू ड्यू टू टू द द सरचार्ज सरचार्ज क्या होता है कि आपकी जितनी इनकम में इंक्रीमेंट होगा ना उससे ज्यादा आपके टैक्स में इंक्रीमेंट हो जाता है इनकम में जो इंक्रीमेंट होगा उससे ज्यादा इंक्रीमेंट आपके टैक्स में हो जाता है तो यहां पे आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा जैसे फॉर एन एग्जांपल यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि एक कंपनी है जिसका टोटल इनकम डोमेस्टिक कंपनी है वन करोड़ वन लाख है

यहां पे 3242100 आ गया लेकिन एक बात बताइए अगर इस कंपनी का टोटल इनकम ओनली वन करोड़ होता तो टैक्स कितना आता सिर्फ 30 लाख आता और बेटा कोई सरचार्ज आता आंसर इज नहीं आता यहां पे कोई भी सरचार्ज नहीं आता 30 लाख ही आता अब कंपनी ने गलती कर दी अगर कंपनी का इनकम वन करोड़ होता तो टैक्स 30 लाख आता कंपनी का इनकम 1 करोड़ 1 लाख है तो टैक्स 3242100 आ रहा है मीन्स यहां पे आप अगर देखेंगे तो आपकी इनकम में जो इंक्रीमेंट हुआ वो इनकम में इंक्रीमेंट वन लाख रुपीज का हुआ एंड उसकी वजह से आपके टैक्स में इंक्रीमेंट है वो आपका टू लैख फोर्टी टू थाउजेंड वन हंड्रेड का हुआ मीन्स यहां पे टैक्स से ज्यादा लाइक जो है जो इनकम से ज्यादा टैक्स बढ़ रहा है बिकॉज इनकम में सपोज आपकी इनकम वन करोड़ होती तो टैक्स ओनली थर्टी लैख आता आपकी इनकम कितनी होगी वन करोड़ वन लाख तो उसकी वजह से टैक्स कितना आ गया थर्टी टू लैख फोर्टी टू थाउजेंड वन हंड्रेड मीस इनकम में इंक्रीमेंट वन लैख का हुआ और टैक्स में इंक्रीमेंट टू लैख फोर्टी टू थाउजेंड वन हंड्रेड का हुआ तो इनकम से ज्यादा यहां पर टैक्स बढ़ा है इनकम से ज्यादा यहां पे टैक्स बढ़ा है. है तो इस पर्टिकुलर केस में लॉ मेकर्स बोलते हैं टेंशन मत लो जितना इनकम है वो हम ले लेंगे एक्स्ट्रा वाला टैक्स हम नहीं लेंगे तो यहां पे क्या होगा आपको वन लैख फोर्टी टू थाउजेंड और वन हंड्रेड का क्या मिल जाएगा मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा आपको एग्जाम में क्या करना है इट्स वेरी सिंपल कि जब भी आपकी इनकम लिटिल बिट मोर देन वन करोड़ हो इन केस ऑफ कंपनी या लिटिल बिट मोर देन टेन करोड़ हो या इंडिविजुअल एच एओपी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में लिटिल बिट मोर देन द दे फिफ्टी लाख हो वन करोड़ हो टू तो करोड़, तो करोड़ हो फाइव करोड़ तो अब आपको चेक करना रहेगा आप क्या करेंगे सबसे पहले आपकी जो भी इनकम रहेगी उस पर आप टैक्स निकाल देंगे

लोअर कंटिन्यू करेंगे क्योंकि एक बात बताइए ये अमाउंट इससे रेस्ट्रिक्ट करेगा तो ऑब्वियसली आपको विच एवर इज लोअर कंटिन्यू करना है तो ऑटोमेटिकली आपको मार्जिनल रिलीफ का अमाउंट यहां पे मिल जाएगा और फिर आप एक काम करिए उसमें एड कर दीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस मैं बोल रहा हूं आपकी इनकम लिटिल बिट मोर देन उस लिमिट से ज्यादा है तभी आपको ये चेक करना है अब जैसे वन करोड़ ट्वेंटी लैख है तो चेक करने की जरूरत नहीं है बट वन करोड़ वन लैख टू लैख थ्री लैख फोर लैख तब आप चेक करिए टेन करोड़ से थोड़ा बहुत ज्यादा है तो आप चेक करिए बिकॉज टेन करोड़ से क्या होता है सरचार्ज की रेट चेंज हो जाती है

और प्लस आप टेन करोड़ के ऊपर वाला जितना भी इनकम है वो एज इट इज गवर्नमेंट को दे दीजिए तो आपका यहां पर यह आ जाएगा विच एवर इज लोअर है वो कंटिन्यू कर दीजिए ऑटोमेटिकली आपको मार्जिनल रिलीफ का अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ अब एक चीज समझना एक सेक्शन आती है एटी सेवन ए और 87A का रिबेट किसको मिलता है तो मैं बता दूं 87A का रिबेट है ना वो सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है

उसके सामने ये रिबेट नहीं मिलता बाकी कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है नॉर्मल वाला या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल वन वाला इवन विनिंग का इनकम है कुछ नहीं है तो विनिंग का इनकम है विनिंग के इनकम के सामने भी ये रिबेट मिलेगा आंसर इज यस मिल जाएगा कहीं पे कुछ मना किया हुआ नहीं है जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मेरे केस में क्या हुआ मेरे केस में कोई इनकम नहीं है ओनली फोर लैख रुपीज का मेरा लॉटरी लग गया और कोई इनकम नहीं है। अब लॉटरी लग गया विनिंग का इनकम है तो फोर लैख ,00 के सामने मुझे बेसिक एक्जामेशन का बेनिफिट तो नहीं मिलेगा फोर लैख पे टैक्स कितना निकालेंगे थर्टी की रेट से टैक्स कितना आया वन लैख ट्वेंटी आया

आपको ये एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि आपने ये पैसा कहां से लाया था इसका सोर्स क्या है आपको ये एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि ये पैसा कहां से लाया था इसका सोर्स क्या है अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं देते हो या आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो उस पर्टिकुलर केस में वो आपकी इनकम मान ली जाएगी और बेटा इस पर आपको सेवेंटी एट परसेंट की रेट से टैक्स लगेगा की 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 रेट की रेट है, उस पे आपका 25 रेट से टैक्स टैक्स लगेगा कैसे है है आपका सरचार्ज तो का आता और क्शन वन वन फाइव बी बी करके सेक्शन है उसमें तो देखिए कैश क्रेडिट आपके अकाउंट में कोई पैसा आता है आपके अकाउंट में कोई क्रेडिट होता है आपको बताना पड़ेगा, वो कहां से आया, उसका देना पड़ेगा आपका एक्सप्लेनेशन सेटिस्फेक्ट्री नहीं है तो उस पर्टिकुलर केस में ये आपकी इनकम मान ली जाएगी जैसे आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसा आया और आप पता नहीं आप बोल रहे कहां से आप पता नहीं भगवान जी ने दिया होगा तो भगवान जी ने दिया होगा तो भैया भगवान जी के नाम पे 78% गवर्नमेंट को पे कर दीजिए और सीए फाइनल में मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें टेन की रेट से पेनल्टी और लगती है तो एटी एट के आसपास तो गवर्नमेंट ही ले जाती है अब एक अमेंडमेंट इस सेक्शन में यह आया कि जैसे मान लो आपने किसी से लोन लिया मैंने किसी से लोन लिया या बोरोइंग किया और बेटा वो आगे वाला पर्सन है वो एक्सप्लेनेशन उसका नहीं है तो ये मान लिया जाएगा मेरा एक्सप्लेनेशन सेटिसफेक्ट्री नहीं है और मेरे हाथ में इनकम बना लिया जाएगा आई कैन टेक एक्साम्पल जैसे मैंने क्या किया मान लो मोन्टू भाई से लोन लिया एक बंदा है मोन्टू भाई उससे मैंने लोन लिया मेरे बैंक में लोन आया मेरे से पूछा ये पैसा कहां से है मैंने कहा मोन्टू भाई से लिया येलो मोन्टू भाई का पेन नंबर मोन्टू भाई से पूछो अब मोन्टू भाई को पूछने गए और मोन्टू भाई को पूछा भैया ये पैसा कहां से लाया था तुमने बोला पता नहीं मोनटू भाई तो बोलता पता नहीं भगवान जी देखे गए करके ठीक है अगर उनका मोन्टू भाई का एक्सप्लेनेशन सेटिसफैक्ट्री नहीं है तो ये मान लिया जाएगा मेरा एक्सप्लेनेशन सेटिसफैक्ट्री नहीं है और ये मेरे हाथ में इनकम बना दिया जाएगा और मुझे सेवेंटी एट परसेंट के रेट से टैक्स भरना पड़ेगा अब यहां पे एक और चीज समझना अगर कोई भी क्लोजली हेल्ड कंपनी है क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब होता है प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी क्लोजली हेल्ड कंपनी को अगर कोई भी शेयर एप्लीकेशन मनी मिलता है या शेयर कैपिटल मिलता है शेयर प्रीमियम मनी मिलता है किसी भी रेजिडेंट पर्सन से और अगर मान लो जिस बंदे ने शेयर खरीदे वो पर्सन अपनी इनकम का सोर्स नहीं बता पा रहा है तो ये माना जाएगा कि क्लोजली हेल्ड कंपनी अपनी इनकम लाइक सोर्स नहीं बता पा रही है और यहां पर क्लोजली हेल्ड कंपनी के हाथ में यह इनकम मान लिया जाएगा और क्लोजली हेल्ड कंपनी को सेवेंटी की रेट से टैक्स भरना पड़ेगा जैसे आई कैन टेक एक्साम्पल क्लोजली हेल्ड कंपनी में एक बीबी वर्चुअल प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है और बीबी वर्चुअल प्राइवेट लिमिटेड है उसमें आपने शेयर खरीदे

था है कि इन्वेस्टमेंट कहां से किया था आप उसका सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो या आपका एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो जितना इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है वो एज इट इज आपके लिए क्या बन जाएगा इनकम बन जाएगा उस प्रीवियस ईयर में उसके बाद में सेक्शन 69 ए अनएक्सप्लेन मनी या एसेट की बात करती है अनएक्सप्लेन्ड मनी या एसेट्स का मतलब क्या होता है कि आपके पास में कुछ पैसा मिल गया आपके पास में मान लो गोल्ड मिल गया आपके पास में कोई कैश मिल गया रोकड़ा मिल गया और मान लो पिंक कलर के नोट मिल गया से पूछा पैसा कहां से ला था लाया ला था भगवान जी देखे गए थे तो ये तुम्हारा मनी है, असेट है, तो ये ये तुम्हारा मनी है है एज इट इज आपकी इनकम मान ली जाएगी एक सेक्शन सिक्सटी बी होती है सिक्सटी बी क्या होती है कि अगर मान लो आपने क्या किया कोई इन्वेस्टमेंट किया है जिसको बुक्स में फुल्ली रिकॉर्ड नहीं किया है फुल्ली रिकॉर्ड नहीं किया इसका मतलब क्या होता है जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आज की डेट में अगर 300 हंड्रेड ग्राम गोल्ड खरीदने जाते हो तो 300 हंड्रेड ग्राम गोल्ड की रेट अगर फिफ्टी थाउजेंड पर फिफ्टी 50,000 जो है वो रेट है टेन फिफ्टी थाउजेंड रेट है आई थिंक फाइव थाउजेंड है वो वन ग्राम की रेट है अगर ठीक है तो एक बार हाँ 10 ग्राम की रेट हो गई आपकी फिफ्टी थाउजेंड अब एक बात समझना 300 हंड्रेड ग्राम ऑफ गोल्ड की रेट मार्केट में क्या होती है फिफ्टीन लाख होती है मैं ये बोलता हूं कि मैंने 300 ग्राम गोल्ड खरीदा है और वो 300 ग्राम का गोल्ड जो है वो मैंने फाइव लाख में खरीदा है अब ऐसे थोड़ी हो सकता है थ्री 300 ग्राम गोल्ड जो है उसकी रेट कितनी है आज की डेट में 15 लाख है बट आई एम क्लेमिंग दैट आई हैव फॉर द 5 लाख तो इस पर्टिकुलर केस में ये माना जाएगा कि मैंने उसको फुल्ली रिकॉर्ड नहीं किया अपनी बुक्स में और जब फुल्ली रिकॉर्ड नहीं किया तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि जो टेन लाख रुपीज है वो टेन लाख जो डिफरेंस रहेगा मार्केट वैल्यू ऑफ दैट अट और जितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया है क्योंकि मैं फुल्ली रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं तो उस पर्टिकुलर केस में ये मेरी इनकम मानी जाएगी उसके बाद सेक्शन सिक्सटी नाइन सी अन एक्सपेंडिचर अगर आप कोई भी ऐसा खर्चा करते हो आप क्या करते हो कोई भी ऐसा खर्चा करते हो और आपसे पूछा गया ये खर्चा कहां से लाया था पैसा कहां से लाया था बता ही नहीं पा रहे हो तो वो आपकी एज इज इनकम बन जाएगी जैसे मान लो फॉर एन एक्साम्पल मेरे बेटे की शादी थी और बेटे की शादी में मैंने जोरदार खर्चा किया एग्जाम्पल है ठीक है जोरदार खर्चा कर लिया और खर्चा कर लिया एक करोड़ का खर्चा किया फिर इनकम टैक्स वालों ने पूछा कहां से लाया था ये पैसा मैं पता नहीं कहां से आया था करके ठीक है तो ये एक करोड़ मेरी इनकम मान ली जाएगी दैट इज कॉल्ड सी उसके बाद डी डी क्या बोलती है अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन द हुंडी हुंडी का मतलब होता है प्रॉमिजरी नोट जो बहुत पहले सौ दो सौ साल पहले हुआ करता था अभी आजकल नहीं होता है करके ठीक है आपने पहले पढ़ा होगा ए फाउंडेशन में हुंडी करके तो एक बात समझना पहले होता था अब क्या होता है हुंडी पे बेसिस पे आपने क्या किया कि उसको गिरवी रख के कहीं से आपने लोन लिया कैश में या फिर आपने उसका रीपेमेंट कर दिया तो उस पर्टिकुलर केस में जितने का लोन लिया है इनकम मानी जाएगी और उस पर सेवेंटी जो भी आपकी विनिंग की इनकम होती है जैसे लॉटरी है कार्ड गेम है हॉर्स रेस है वो विनिंग की इनकम जो होती है उस पर आपको थर्टी परसेंट की रेट से टैक्स लग जाता है और ये जो डीम्ड इनकम मैंने जो बताई सिक्सटी सिक्सटी नाइन डी वाली उस पर आपको सेवेंटी एट परसेंट की रेट से टैक्स जाएगा एक और चीज समझना ये जो इनकम होती है ना विनिंग की इनकम एज वेल एज ये 115 वन वाली जो इनकम है इसके सामने कोई भी खर्चे वर्चे अलाउ नहीं होते ये है, ये ग्रॉस ग्रॉस इनकम इनकम है टैक्सेबल हो जाएगी और उसके साथ साथ में इन्होंने ये बोला कि भैया इस इनकम के सामने कोई भी भी आप दूसरे भी सेट ऑफ नहीं कर सकते ये जो डीम्ड इनकम होती है ना इसके सामने आप कोई भी दूसरे लॉसेज है वो सेट ऑफ नहीं कर सकते नेक्स्ट सेक्शन इज वन वन फाइव बी एस सी एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन बिकॉज एग्जामिनर आपको इस पर टेस्ट कर सकता है इंटरमीडिएट में और इंटरमीडिएट के लिए फेवरेट सेक्शन है आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन में ये सेक्शन आती है

क्वेश्चन इज सर कौन सा इंडिविजुअल एचुअप रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट राइट right आंसर इज दोनों रेजिडेंट के पास भी ऑप्शन है नॉन रेजिडेंट के पास भी ऑप्शन है इसको ऐसे याद कैसे रखेंगे एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे टैक्स रेट में आपका 55 परसेंट इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है लेकिन सर एक बात बताइए यहाँ पे हमने ये देखा था कि सीनियर सिटीजन के के केस में बेसिक एक्मशन टू लैखी थाउजेंड की जगह थ्री लैख का मिलता है अगर कोई एस एस सी वन वन फाइव बी एस सी का तो मैं क्या बोल रहा हूं अगर कोई भी सीनियर सिटीजन है वो सीनियर इस सेक्शन इस का बेनिफिट लेता है या सुपर सीनियर सिटीजन इस सेक्शन का बेनिफिट लेता है तो भी आपका बेसिक एग्जामेशन है वो टू लैख फिफ्टी थाउजेंड ही रहेगा यहां पे थ्री लैख या फाइव लैख नहीं होगा लेकिन व्हाट अबाउट द सरचार्ज सरचार्ज वैसे ही लगेगा जैसे अपन ने सीखा है मोर देन 50 लाख का आपका टोटल इनकम है 10 परसेंट मोर देन 1 करोड़ 15 परसेंट मोर देन 2 करोड़ है तो आपका 25 मोर देन 5 करोड़ है तो उस पर्टिकुलर केस में आपका 37 परसेंट स्पेशल रेट ऑफ इनकम जो है वो स्पेशल रेट से टैक्सेबल होगा जैसे एलटीसी वो टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट एस ट्रिपल वन फिफ्टीन विनिंग का इनकम थर्टी वो स्पेशल रेट से ही टैक्सेबल होगा हो अब एक और चीज समझना अगर आप ये सेक्शन का बेनिफिट लेते हो तो आपके लिए एक तो बेनिफिट ये है कि आपको ए नहीं लगेगा ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स जो टॉपिक होता है वो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स टॉपिक आपको नहीं लगेगा ए जो है वो ए आपको नहीं लगेगा और जब ए नहीं लग रहा है तो आपका पुराना जो एम टी क्रेडिट रहेगा वो आपको लैप्स हो जाएगा ए एम टी क्रेडिट यू नो दैट अपन दिफ्टीन असेसमेंट इस तक कैरी फॉरवर्ड करते हैं वो ए एम टी क्रेडिट आपका लैप्स हो जाएगा क्योंकि आपको ए एम टी अभी नहीं लग रहा है लेकिन एक बात समझना ये अगर बेनिफिशियल प्रोविजन ये न्यू टैक्सेशन रिजिम में अगर आप आना चाहते हो तो आपको कुछ बलिदान देने पड़ेंगे आपको कुछ आहूतियां देनी पड़ेगी आपको कुछ ना कुछ चीजें सरेंडर करनी पड़ेगी सर क्या क्या चीजें सरेंडर करनी पड़ेगी हम एक काम करते हैं एक एक हेडवाइज देखते हैं

उसके बाद में आपको पता है लीव ट्रेवल कंसेशन का एल का डिडक्शन मिलता है एल का एक्जेंशन मिलता है बेसिकली सेक्शन टेन में वो एक्जेंशन आपको नहीं मिलेगा

जितना एम्प्लॉय एक्चुअली अमाउंट स्पेंड करता है उतने का आपको एक्सेंशन मिल जाएगा तो ये एक्शन आप ले सकते हो तो डी टी डी एम्प्लॉयज के लिए इसमें जितना अमाउंट स्पेंड करते हो वो एक्जेम हो जाएगा तो ये चार जो है अलाउंसेस की एग्जामेशन अलाउंस 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 आप ले सकते हो बाकी कोई भी अलाउंस आप नहीं ले सकते देखिए सबसे पहले सैलरी में आपको क्या क्या बलिदान देने पड़ेंगे क्या आहूतियां देनी पड़ेगी क्या क्या चीजें आपको सरेंडर

थर्टी थाउजेंड नॉट थर्टी थाउजेंड एंड टू लैख काउसेंड एंड टू लेक्यूपाइड प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर एसओपी के केस में वो इंटरेस्ट का डिडक्शन जो आपको मिलता है अंडर सेक्शन एसओपी मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कितना थर्टी थाउजेंड और टू लैक वो आप नहीं ले सकते एलओपी के के डीएलओपी के, के केस में ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं लेकिन एक चीज समझना एलओपी डीएलओपी में अगर लॉस हो गया तो उस लॉस को आप किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते

रुपया सेट अप नहीं कर सकते इट हैज टू बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के केस में बेटा एक तो 10 डबल है वो एसईजेड का डिडक्शन नहीं ले सकते उसके बाद में आप एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते उसके बाद में सेक्शन 35 में वो डोनेशन देते थे ना आप डोनेशन किसको देते थे एक तो आपको पता है दैट इज द राहुल आईसीयू करके मैंने पढ़ाया था कि डोनेशन देते थे रिसर्च एसोसिएशन इंस्टीट्यूट कॉलेज यूनिवर्सिटी को साइंटिफिक रिसर्च के लिए या सोशल स्टेटिस्टिकल रिसर्च के लिए या इंडियन कंपनी को साइंटिफिक रिसर्च के लिए आईआईटी नेशनल लेबोरेटरी को साइंटिफिक रिसर्च के लिए वो सब डिडक्शन का डिडक्शन नहीं ले सकते डोनेशन वाले और थर्टी फाइव एडी वो स्पेसिफाइड बिजनेस वो फोर्टीन बिजनेस कोल्ड चैन फैसिलिटी वेयर हाउसिंग फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस शुगर एंड ऑल वो सब आप नहीं ले सकते वो डिडक्शन आप नहीं ले सकते पीजीबीपी में

जितना फैमिली पेंशन मिला उसका वन थर्ड या फिफ्टीन थाउजेंड विच एवर इज लोअर करके ठीक है उतने का डिडक्शन मिलता है वो आप नहीं ले सकते उसके बाद में एक बात समझना अंडर चैप्टर सिक्स में डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स में आप कुछ भी नहीं ले सकते मिस ए टी सी एटी डी एटी डी डी कुछ भी नहीं ले सकते एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स से आप नहीं ले सकते लेकिन बेटा इसमें दो एक्सेप्शन है एक तो आप एटी डबल जे सकते हैं एटी डबल जे डबलॉय रिक्रूट करते हैं उनको थ्री सैलरी पे करेंगे नेशनल पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम अटल पेंशन योजना उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन करता है तो उसका डिडक्शन लेते और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन का डिडक्शन कितना मिलता एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया या टेन परसेंट ऑफ सैलरी लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्मेंट एम्प्लॉय केस में वहां 14% ऑफ सैलरी हो जाता है वो एग्जemption जो है वो डिडक्शन जो है वो 80 सीसीडी 2 का ले सकते हैं तो अगर आप न्यू सेक्शन ले रहे हैं न्यू टैक्सेशन रिजिम तो उस पर्टिकुलर केस में 80 डबल ज डबल ए का डिडक्शन नहीं सॉरी 80 डबल ज डबल ए एंड आपका 80 सीसीडी 2 इनको छोड़ के बाकी कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेंगे 80 टीटीए नहीं मिलेगा 80 टीटीटी भी नहीं मिलेगा वो कुछ भी आपको नहीं मिलेगा अब एक और चीज समझ ये जितनी भी सेक्शन है ना इन सेक्शंस की वजह से अगर पुराना कोई भी लॉसेस है या पुराना कोई भी अनएब्सॉर्ब एप्रिशिएशन है जो इन सेक्शंस की वजह से है वो आपका लैप्स हो जाएगा उसको आप सेट ऑप नहीं कर सकते अगर आप ये सेक्शन ले लेते हैं तो जैसे मान लो मैंने ये सेक्शन ले ली और मेरा पुराना कोई 35 एडी के बिजनेस का लॉस है तो वो मेरा लैप्स हो जाएगा नहीं ले सकता

अगर आपका पीजीबीपी का इनकम है तो आपने न्यू प्रोविजन ले लिया तो आपको न्यू प्रोविजन के साथ में ही कंटिन्यू करना पड़ेगा लेकिन अगर मान लो आप किसी भी ईयर में जाके कोई कंडीशन वायलेट कर लेते हो और वापस आप बाहर आ जाते हो वन वन फाइव बीएससी से तो वापस आप वन वन फाइव बीएससी नहीं ले पाओगे जब तक कि आप जब तक कि आप

आपका टीडीएस कौन सी रेट से कटेगा जैसे कोई सैलरी एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय का टीडीएस एम्प्लॉयर कौन सी रेट से काटेगा नॉर्मल वाला या BAC की स्लैब रेट से देखो नॉर्मली नॉर्मल normal वाले से काटेगा बट अगर एम्प्लॉय ने अपना एक डिक्लेरेशन दे दिया एम्प्लॉय एक डिक्लेरेशन दे देता है कि मेरा टीडीएस है वो वन वन फाइव बी एस सी से काटो तो उस पर्टिकुलर केस में एम्प्लॉयर टीडीएस वन वन फाइव बीएससी वाली स्लैब रेट से काटेगा लेकिन एक और चीज समझना अगर एम्प्लॉयर ने टीडीएस है वो नॉर्मल रेट से काटा था एम्प्लॉय

रिटर्न सकता है आंसर इज यस मिस आपका टीडीएस है वो कौन सी टी से कटा था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न यू हैव एन ऑप्शन दैट आपको कौन सा वाला टैक्सेशन रिजिम है वो आपको फॉलो करना है सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर फर्स्ट टॉपिक का रिवीजन दैट इज बेसिक कांसेप्ट एंड टैक्स रेट फॉर द असेसमेंट ईयर ट्वेंटी फोर आपको फटाफट रिवीजन लेक्चर मिलते जाएंगे और मैं बता दूं ये रिवीजन लेक्चर कम से कम आपको दस बार सुनने हैं क्योंकि ये रिविजन लेक्चर के बाद मैं आपके लिए कुछ एक शानदार चीज डालने वाला हूं और वो शानदार चीज़ क्या है वो आपके लिए एक ऐसी इस बार मैं चीजें करने वाला हूं मार्च में जो आपने लाइक आपके लिए बहुत ही अलग रहेगी बहुत मज़ा आएगा आपको अपनी प्रिपरेशन में एंड आई विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन फॉर द डायरेक्ट टैक्स फॉर द सीए इंटरमीडिएट और सीएमए इंटरमीडिएट के लिए बिकॉज ऑब्वियसली डायरेक्ट टैक्स का पेपर इतना ईजी आता नहीं है उसमें ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें पूछी जाती है इतना लंबा पेपर एंड ऑल मतलब इतना बड़ा पेपर है भाई साहब डायरेक्ट टैक्स का तो मैं बताऊं अभी आपके एग्ज़ाम के जो डेज़ हैं ना वो सिर्फ आप हाथों पे काउंट कर सकते हैं इतने से डेज बचे आपके एग्ज़ाम के तो आप अपनी लाइफ को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाइए एग्ज़ाम को लेके थोड़ा सीरियस हो जाइए मॉर्निंग से इवनिंग तक आप क्या कर रहे हो लाइफ में आपको पता होना चाहिए आप जो आपका एक मिनट भी अगर वेस्ट हो रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये टाइम आपका वेस्ट हो रहा है वैसा आपके अंदर डेडिकेशन आना चाहिए बिकॉज यही तो टाइम है पढ़ने का मैं हमेशा लाइफ में ये बोलता हूं कि आपको लाइफ में सब करना है आपको मौज मस्ती करनी है आपको मजे करने हैं घूमने जाना है सब चीजें करनी है लेकिन हर चीज करने का एक टाइम होता है अभी आपका टाइम है पढ़ने का तो आप सिर्फ एंड सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे दीजिए और अगर आप पढ़ाई पे ध्यान दे, दे देंगे तो बाकी सब चीजें करने के लिए आपको मौका मिलने वाला है अगर ठीक है सो थैंक्स अलॉट पीपल दैट्स फॉर एनअे फ्रॉम माई साइड सी यू इन द नेक्स्ट रिविजन लेक्चर थैंक यू